हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व किए थे। आज हम लोग 7 और 8 सॉल्व करेंगे, ठीक है? आज चलो, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने 3 वर्गाकार कागजों को काटा और क्षेत्रफल में इसमें क्या चेंजिंग आएगा, परिवर्तन आएगा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो चलो हम लोग ये करते हैं। यदि उसका लेंथ को यहाँ पे दोगुना कर दिया जाए तो क्या चेंजिंग आएगा, और यदि सेकंड क्वेश्चन है कि यदि लेंथ को हाफ कर दिया जाए तो क्या चेंजिंग आएगा। तो सबसे पहले तो हम जो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड को हम लोग एक एक्स मान लेते हैं। तो यदि लेंथ मुझे पता है, लेंथ इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, दैट इज एक्स द होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। ओके, स्क्वायर यूनिट हमें पता नहीं है कि ये क्या है, स्क्वायर यूनिट हम इसलिए लिख रहे हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर ए में है कि लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, यानी लेंथ मेरा डबल हो जाए तो इसमें क्या चेंजिंग आएगा, इसके एरिया में यहाँ की क्या चेंजिंग आएगा। तो यदि हम लेंथ को डबल कर देते हैं तो मेरा अब लेंथ क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, दैट इज 2x। सो अब हमारा एरिया में क्या चेंजिंग आएगा, अब ये देखेंगे जब मेरा लेंथ ये होगा तो। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 2x द होल स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो, ये 4x स्क्वायर आ गया, मतलब कि ये जो पहले मेरा जो ओरिजिनल जो एरिया है उससे 4th टाइम्स ये ज्यादा हो गया। सो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर यही होगा कि ये मेरा जो लेंथ है वो 4th टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 4th ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 4th टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी। यहां पे बोला जा रहा है कि यदि लेंथ मेरा हाफ हो जाए तो क्या होगा, यानी अब लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, तब हाफ यानी कि 1/2 इंटू एक्स, दैट इज एक्स बाई टू। यदि इतना ये यूनिट x by 2 यदि हो जाए तो क्या होगा, तो हमारे इस एरिया में चेंजिंग क्या आएगी। सो अब हम एरिया निकालते हैं, न्यू मेरा जो लेंथ है, एरिया इक्वल टू x by 2 द होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर by 4। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ अब क्या हो गया, x स्क्वायर by 4, यानी 1/4 ऑफ ओरिजिनल एरिया हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर यही लिखेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल एरिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। हमारे इलाके के क्लब के घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे दे दिया है। लंबाई है 7.2 मीटर, चौड़ाई है 5.5 मीटर एंड इसका हाइट ऊंचाई दिया है 4.2 मीटर। ठीक है, अब घर में 3 मीटर लंबा और 1.8 मीटर चौड़ा एक दरवाजा है, तथा 2.25 मीटर लंबा और 1.8 मीटर चौड़ा दो खिड़कियां हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में पहले हम लोग लिख लेते हैं कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो दिया हुआ है ये कितना कितना है। रूम कैसा होता है, रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, तो यहाँ पे इस टाइप का दिया हुआ है। लेंथ है मेरा 7.2 मीटर और 5.5 मीटर इसका ब्रेथ है, 5.5 मीटर है, और जो ये हाइट है, ये हाइट दिया हुआ है यहाँ पे 4.2 मीटर, 4.2 मीटर। रूम का आप लोग देखते ही हो कि हाइट किस टाइप से होता है रूम,
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में ये पूछा जा रहा है कि जो क्लब घर का फर्श का यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसका एरिया निकालना है। फ्लोर का यहाँ पे फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि फर्श किस टाइप का होता है, रेक्टेंगुलर होता है, लेंथ और ब्रिथ चाहिए। इस तरह से हमारा जो फर्श का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। इसी में एक और क्वेश्चन दे दिया है कि प्रति वर्ग मीटर 62 रुपए की दर से फर्श का सीमेंट करने में कितना खर्च होगा। यानी कि जो मेरा एक यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे यदि एक वर्ग मीटर में आपका खर्च हो रहा है 62 रुपीज खर्च हो रहा है, तो टोटल में कितना खर्च होगा। टोटल जो हम एरिया निकालेंगे इससे, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा टोटल जो कितना जो जितना खर्च होगा ये निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ फ्लोर इक्वल टू यहां पे दिया हुआ है 7.2 मीटर। ब्रेथ ऑफ द फ्लोर दिया है यहां पे 5.5 मीटर एंड हाइट यहां पे दिया हुआ है 4.2 मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए बनाते हैं। फर्श का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि मेरा फ्लोर का यहां पे एरिया निकालना है। ठीक है, फ्लोर का एरिया। सो, यहाँ पे सिर्फ लेंथ और ब्रिथ का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि फ्लोर में सिर्फ लेंथ और ब्रिथ ही होता है, हाइट नहीं होता है। फर्श में लेंथ और ब्रिथ होता है। सो, हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ द फ्लोर इक्वल टू 7.2 इंटू, यहाँ लेंथ इंटू ब्रिथ लिख दे रहे हैं, 7.2 इंटू 5.5। ओके, दैट इज 39.6 स्क्वायर मीटर। ठीक है, नाउ द कोस्ट फॉर सीमेंटिंग द फ्लोर एट ₹62 इक्वल टू कितना टोटल होगा, 62 इंटू 39.6, दैट इज 2455.20। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 स्क्वायर मीटर का कोस्ट यहाँ पे 62 रुपीज लग रहा है, तो टोटल को सीमेंटिंग करने में कितना लगेगा, टोटल को सीमेंट करने में यहाँ पे कितना लग रहा है। तो 62 इंटू टोटल मेरा जो एरिया निकला है, तो दैट इज ये। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है दरवाजे और खिड़की को छोड़कर घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दरवाजे और खिड़की को छोड़कर, यहाँ पे दरवाजा और खिड़की एरिया लेंथ ऑफ द डोर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम उन दोनों का एरिया निकालेंगे और टोटल एरिया में से उसको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो दरवाजे और खिड़की को छोड़ेंगे। सो, हम लेंथ ऑफ द डोर निकालेंगे। लेंथ ऑफ द डोर दिया हुआ है 3 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द डोर इक्वल टू 1.8 मीटर। सो, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 3 इंटू 1.8 स्क्वायर मीटर, दैट इज 5.4 स्क्वायर मीटर। ओके,
ये तो हुआ लेंथ ऑफ द डोर। अब मेरा यहाँ पे खिड़की का यानी विंडो का भी निकालना है, यानी कि लेंथ ऑफ द विंडो इक्वल टू, लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 2.25 मीटर एंड ब्रिथ ऑफ द विंडो दिया हुआ है 1.8 मीटर। ओके सो एरिया ऑफ द विंडो इक्वल टू 2.25 इंटू 1.8 स्क्वायर मीटर। ओके दैट इज 4.05 स्क्वायर मीटर। सो यहाँ पे एक विंडो का निकला है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस वहां क्लब का जो घर है उसमें दो खिड़की हैं, तो एरिया ऑफ द टू विंडो इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 4.05 दैट इज 8.1 स्क्वायर मीटर। ओके नाउ एरिया ऑफ द फोर वॉल इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ इंटू हाइट होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रिथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, जो मेरा लेंथ दिया हुआ है, लेंथ मेरा दिया हुआ है 7.2 प्लस ब्रिथ मेरा है 5.5। पहले 2 इंटू हाइट लिखेंगे, 2 इंटू हाइट मेरा दिया हुआ है 4.2 एंड लेंथ दिया है 7.2 प्लस ब्रिथ 5.5 दैट इज 8.4 12.7। या यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू करके लिख देंगे 8.4 इंटू 12.7, ठीक है, दैट इज 106.68 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये तो मेरा निकला एरिया ऑफ द फोर वॉल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दरवाजा और खिड़की को छोड़ देना, एरिया ऑफ द फोर वॉल में ये उसमें विंडोज भी है और डोर भी है, और यहाँ पे जबकि क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि दरवाजे और खिड़की को छोड़कर हमारा क्षेत्रफल कितना होगा ये निकालना है, तो हम इसीलिए पहले निकालेंगे। सो एरिया ऑफ द फोर वॉल विदाउट डोर एंड विंडो इक्वल टू, ये तो मेरा टोटल जो एरिया निकला है, एरिया ऑफ द फोर वॉल इंक्लूडिंग है, इसमें इंक्लूडिंग डोर एंड विंडो है। और अब हम निकाल रहे हैं एक्सेप्ट डोर एंड विंडोज, तो मेरा जो टोटल एरिया निकला है उसमें से हम डोर और विंडोज का एरिया माइनस कर देंगे, तो मेरा एरिया ये निकल जाएगा, दैट इज 106.68 माइनस एरिया ऑफ द डोर कितना दिया है 5.4 हम लोग निकाल चुके हैं पहले, प्लस एरिया ऑफ द टू विंडोज इक्वल टू 8.1 आया था। सो 106.68 माइनस
13.5, that is 93.18. ओके, चारों दीवारों का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द फोर वॉल विदाउट डोर एंड विंडोज इक्वल टू 93.18 स्क्वायर मीटर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है कि घर के छत का क्षेत्रफल कितना होगा. घर का छत किस टाइप का होता है, ये सेलिंग जो होता है हमारा रेक्टेंगुलर होता है, यानी लेंथ और ब्रिथ होता है, उसमें हाइट नहीं होता है. सो हम यहाँ पे जो मेरा लेंथ और ब्रिथ दिया हुआ है उससे हम एरिया ऑफ द सेलिंग निकाल लेंगे. ठीक है, सो एरिया ऑफ द सेलिंग इक्वल टू लेंथ मेरा और ब्रिथ दिया हुआ है 7.2 इंटू जो मेरा पहले का है एरिया, ये जो सबसे पहले घर के लंबाई और चौड़ाई जो दिया हुआ है वही मेरा लेंथ, घर का जो छत का भी वही होगा मेरा लेंथ और वही मेरा ब्रिथ होगा. सो 7.2 इंटू 5.5 स्क्वायर मीटर, दैट इज 39.60 स्क्वायर मीटर. ओके, ये हो गया मेरा एरिया ऑफ द सेलिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दरवाजा और खिड़की छोड़कर घर के भीतर चारों दीवारों पर चूना लगाने का कितना खर्च होगा. ठीक है, सो जब ऐसा रहता है कि 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दरवाजा खिड़की छोड़कर घर के चारों दीवारों पर चूना लगाने का कितना खर्च होगा, तब इस टाइप का क्वेश्चन में हम एरिया ऑफ द फोर वॉल निकाले थे. एरिया ऑफ द फोर वॉल जो मेरा निकला था दैट इज 106.68 निकला था. अब ये तो हुआ मेरा एरिया ऑफ द फोर वॉल जो विथ डोर एंड विंडोज, और मेरा यहाँ पे एरिया ऑफ द फोर वॉल यहाँ पे निकला है विदाउट डोर एंड विंडोज 93.18. ओके, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग अच्छा से देखना कि दरवाजा और खिड़की को छोड़कर और जब हम चूना लगाएंगे तो हम लोग ऊपर में भी लगाएंगे, यानी जो ऊपरी वाली हिस्सा जो होती है वो भी तो हमारा छत ही हुआ, छत का निचले वाला हिस्सा में हम चूना लगा रहे हैं, यानी कि मेरा ये जो सेलिंग का जो एरिया है वो भी इसमें ऐड होगा. सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल एरिया ऑफ द फोर वॉल एंड इट्स सेलिंग इक्वल टू 93.18 प्लस 39.60. ओके, दैट इज 132.78 स्क्वायर मीटर. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे हम एक वन स्क्वायर मीटर में मेरा 12 रुपीज लग रहा है तो टोटल में कितना लगेगा, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं द टोटल वॉश द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाइट वॉश इक्वल टू एट द रेट 12, that is 12 into 132.78, that is
1593.36 स्क्वायर मीटर. टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाइट वॉश एट द रेट ऑफ रुपीज 12 इक्वल टू 12 इंटू मेरा जो टोटल आया है, क्योंकि छत निचले हिस्से में छत भी होते हैं, निचले हिस्से का जो हाइट यानी रेक्टेंगुलर जो मेरा छत का जो एरिया निकला हुआ है वो एरिया, और प्लस जो टोटल फोर वॉल का एरिया जो निकला हुआ है इसको हम ऐड करके और यहाँ पे 12 इंटू इतना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 12 रुपीज पर स्क्वायर मीटर लग रहा है. सो एक स्क्वायर मीटर में आपका इतना लग रहा है, सो टोटल में कितना लगेगा 12 इंटू इतना, सो इतना. ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू.